दो टाइगर दिखेंगे एक साथ बड़े पर्दे पर, एक टाइगर श्रॉफ और दूसरे बॉलीवुड के टाइगर जग्गो दादा। टाइगर श्रॉफ टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद फादर जैकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अहमद खान फिल्म। बताया जाता है कि टाइगर अपने पापा जैकी श्रॉफ के साथ पहली बार बागी 3 में बड़े पर्दे पर आएंगे। इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्शन ड्रामा डायरेक्टेड बाय अहमद खान, जैकी विल प्ले द ऑन स्क्रीन फादर ऑफ टाइगर एंड हिज को स्टार रितेश देशमुख। ये एक कैमियो अपीयरेंस होगा जिसमें 62 साल के जग्गू दादा पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नड़ियादवाला। इस फिल्म के बारे में कहा है, एवरीवन हैज बीन वेटिंग टू सी टाइगर टीमिंग अप विद हिज हीरो फादर जैकी सिंस वी लॉन्च्ड हिम। देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशंस एंड नो वन हैज बीन एबल टू ब्रिंग देम टुगेदर इन द लास्ट 6 इयर्स एज द डुओ वाज कैटेगोरिकल दे वुड ओनली शेयर द स्क्रीन व्हेन अ फिल्म एंड रोल मेरिटेड देयर प्रेजेंस। ये कहा खुद साजिद नड़ियादवाला ने। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि अहमद एंड आई फील द स्टोरी लाइन रिक्वायर्ड जैकी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म एंड आई बिलीव आवर विजंस मैच टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अ पिवोटल रोल इन द फिल्म। प्रोड्यूसर्स का कहना है जैकी को ऑन बोर्ड लाना काफी मुश्किल था लेकिन इस फिल्म की एक्सपेक्टेशंस भी वही थी। साजिद ने यह भी कहा, आई एम कॉन्फिडेंट नो वन विल बी डिसअपॉइंटेड बाय दिस डबल डोज ऑफ श्रॉफ्स एंड आई विल दे विल स्टैंड एज अ स्ट्रॉन्ग यूएसपी ऑफ द फिल्म। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के अलावा श्रद्धा कपूर, विजय वर्मा, अंकिता लोखंडे भी नजर आएंगे और साथ ही होंगे टाइगर श्रॉफ एंड रितेश देशमुख भी। रितेश देशमुख पहली बार बागी फ्रेंचाइज से जुड़े हैं। पिछली बार बागी 2 में कई बड़े नाम मौजूद थे जैसे मनोज बाजपेयी और रणदीप हुड्डा भी। बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली है।